अस्सलामुअलैकुम। आज जनाब वो लोग आए हैं हमारे स्टूडियो में जिनकी आप लोगों को बड़ी तमन्ना थी, बड़ी फरमाइश थी, पार्ट टू चाहिए, पार्ट टू। तो दिस इज द पार्ट टू टुडे। वेलकम आनिया एंड वेलकम हमजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस अगेन थ्रू पॉपुलर डिमांड। बहुत अच्छा लगा पिछली महफिल, बड़ी मजे की, गर्म। अच्छा, हमें उस वक्त भी महसूस हो रहा था कि वी डिडंट एनफ, कुछ कसक सी रह गई है, yes. है ना? आज हमने सारी कसकें पूरी करनी है ना। आज हमने वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो क्यों ना स्टार्ट वहां से करें जहाँ बचपन होता है। तो बचपन से आप लोग तो जवानी तक पहुंचे हैं, हम बचपन से भी आगे चले गए लेकिन महसूस वैसा ही होता है, ये मैं बता दूं खुशखबरी। अच्छा, तो चाइल्डहुड कैसा रहा हमजा? जेंट्स फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट? अच्छा, जेंट्स। आज हमारी परमिशन से आपको लेडी। सो आई वाज बोर्न इन लाहौर एंड आई कैसिक स्कूल है, हम वहाँ पे बड़े, वहीं पे हमने प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर कैंपस एक होता था वहाँ पे, आपका बेसिक मॉन्टेसरी वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद आई कैस, इट्स नॉट द इस्लामाबाद वाला, इट्स इंटरनेशनल कैंपस फॉर एडवांस स्टडीज। आई वाज देयर फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। अब उसके अंदर तो हम छोटे छोटे से थे वहाँ पे। उसकी लोकेशन कहाँ है? उस टाइम पे होता था जोर लाई रोड पे, जहाँ पे परवेज लाई वगैरह सारी फैमिली का घर है। उसी रोड, उसी रोड पे स्कूल होता था। नहीं 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 नहीं, इट वाज गुलबर्ग में, आई थिंक मेन मार्केट के बिल्कुल साथ। अब मैंने सुना है चेंज होगी लोकेशन, तो इट वॉज वेरी नाइस स्कूल, सारी चीजें, तो कुछ बड़े अच्छे दोस्त बने, सारा कुछ बड़ा अच्छा था। अब ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ पे आता है, जब आपको पता लगता है कि मैंने कभी शिफ्ट भी होना है, कभी मैं मंगवाने भी नहीं होता। सो आई वाज वेरी हैप्पी इन माय बबल, कि मैं कॉलोनी में, हमारा, हम अस्करी 2 में रहते थे, तो वहाँ पे सारे, वहाँ पे भी दोस्त होते थे, स्कूल में भी दोस्त हैं, बस मतलब आइडियल लाइफ। या आइडियल लाइफ, वंडरफुल। ट्विस्ट आया जब शिफ्ट हो गए, ना कभी सोचा कि होंगे, और होंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोस्त कहाँ से बनाएंगे, स्किल ही नहीं थी। इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। सो माई फादर वॉज वर्किंग इन द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में थे, तो 2002 से वहाँ पे काम कर रहे थे। डिफेंस? नो नो, नहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 2002 से उनकी जॉब थी। अब वो क्या करते थे, हर फ्राइडे को आते थे, हर संडे को चले जाते थे, दो दिन के लिए बेचारे आते थे, वीकेंड पेरेंट, वीकेंड पेरेंट, और वो 5 days a week वो काम करते रहते थे। तो बड़ा उनको भी होता होगा, बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, तो कोई 6 साल उन्होंने इसी तरीके से किया। उसके बाद उन्होंने बोला मेरी बस हो गई, मेरे से गाड़ी नहीं चलती इतनी कि मैं हर फ्राइडे को आऊँ 4-5 घंटे गाड़ी चला के और फिर वापस जाऊँ, तो इससे बेहतर है कि मैं बच्चों को बुला लूँ। अब आए तो सबसे पहले हम गए G8, मुझे पोलन एलर्जी, मैं छींक छींक के पागल हो गया यही आधे आधे तो मसले यहीं पे। और उस टाइम पे इस्लामाबाद इतना कमर्शलाइज नहीं था और इतना ज़्यादा आबाद नहीं था, मतलब टेक्निकली G10 के आसपास ना आबादी ख़त्म हो जाती थी, G8 to G10। तो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट का हब G8। कौन सा साल था ये? ये था 2008 में हम आए, आई थिंक मैं 13 साल का था। तो आते साथ ही फिर हम स्कूल गए, तो मैंने बीकन हाउस मार्गला कैंपस की H8 वाला वो ज्वाइन किया। आई वाज देयर ओनली फॉर 1 year। आई मेड सम रियली गुड फ्रेंड्स थे, बॉय, ऑल बॉयज़ जो स्कूल होता है ना, वो बड़ा एक यूनियन होती है उसके अंदर। वो आज भी दोस्त ऐसे हैं, मैं शायद उनके साथ 1 साल पढ़ाऊँ, मुश्किल से कोई रीयूनियन वगैरह पे मिलेंगे, लेकिन वो आज भी बड़े अच्छे हैं कि फ़ोन करो तो उठाएंगे, मिलेंगे। तो ये यहाँ तक का था सफ़र। उसके बाद इस्लामाबाद में कुछ बड़ी हर्डल्स वर्डल्स आई। हाँ, वो तो, हमने पिछले में डिस्कस किए, बुलियंग, द बुलियंग थिंग चैप्टर वाज डीपली डिस्कस्ड, प्रॉपरली डिस्कस्ड इन द लास्ट वन, तो वो जरूर देखिएगा इफ यू वांट टू नो मोर। एंड देन वी विल कम टू अब कॉलेज लाइफ शुरू, फिर अब उसकी भी हमने बातें की। तो अब हम चलते हैं आनिया के बचपन पे, कि आनिया आपका बचपन कहाँ और कैसा गुजरा? मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। मैं सारी मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो बीकन हाउस से हुई थी इन कराची, एंड फिर उसके बाद 1 year आई वॉज इन बोर्डिंग स्कूल इन मरी, एंड 2 साल मेरी बहन, जो बड़ी बहन है, वो 2 साल थी, 1 साल मैं थी, फिर उसके बाद वी केम बैक एंड वी जॉइन सेंट डेनिस सेंट डेनिस सेंट डेनिस की जो सरप्राइज यू नो सेंट डेनिस
तो सेंट डेनिस में एक साल मैं थी, दो साल हया थी, वो सेंट डेनिस की कहानियां आज तक सुनते हैं वैसे। अच्छा एक साल हो गया नहीं, नहीं और वो वैसे वैसे सुनने वाली हैं नहीं। अच्छा, आपको डर लगेगा हॉरर स्टोरीज एंड स्टफ बट लाइक हार्ड हो और हॉरर स्टोरी और फॉरेस्ट के बीच में और 150 साल पुराना कॉन्वेंट बट रूही इट वाज एन एक्सपीरियंस लाइक इट वाज एन एक्सपीरियंस दैट आई फील लाइक रियली चेंज्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज। बहुत यू नो एक वो जो एक हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल और स्पेशली कॉन्वेंट वाला डिसिप्लिन होता है ना वो बहुत ही यू नो लाइक इट वॉज वेरी नाइस कि लाइक यू नो आप अगर हमारा 7 o'clock सपर होना है एंड आप 6:45 से लाइन में नहीं लगे हुए कैफेटेरिया के बाहर तो यू विल नॉट बी अलाउड सपर एंड यू विल गो टू स्लीप हंग्री। तो इस तरह की वो और फिर उसके बाद संडेज को हमें एग्जैक्टली 3 minutes की फ़ोन कॉल अलाउड होती थी टू आर फैमिली 3 minutes मतलब 2:59 पे वो आपकी बात खत्म हुई हो ना हुई वो सामने बंदा बैठा होता था वो काट देता था लाइन और उस पॉइंट पे इतना रोना आता था बिकॉज यू नो लाइक मैं जो हूँ आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी डीपली अटैच्ड रिलेशनशिप टू माय मॉम तो यू नो लाइक बहुत एक ऑब्सेसिव लेवल तक कि यू नो बस हाँ मम्मा से बात करनी है मम्मा को ये लेके देना है मम्मा से ये करना है मम्मा से वो करना है हर चीज़ इस तरह से। तो अब एक तो गोइंग फ्रॉम दैट टू टॉकिंग टू योर मॉम वंस अ वीक और वो भी 3 minutes के लिए तो मैं तो अभी बात शुरू करती थी अभी वो तो काट देता था फोन में इतना रोती थी एंड देन यू नो फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइफ मम्मा रेज्ड अस एज अ सिंगल पेरेंट तो यू नो वो और दो बच्चियों को एज अ सिंगल पेरेंट अ वुमन रेजिंग टू डॉटर्स इन द मीडिया इट्स नॉट ईजी यू नो। अब मैं देखती हूँ मैं सोचती हूँ दैट यू नो क्या क्या कैसे किया मतलब वो तो मम्मा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैं क्वेश्चन करती हूँ कि कैसे किया यू नो लाइक शी doesn't feel human to me at times you know ab kaise like you know how are you able to deal with so much stuff on your own but khair you know throughout all of this at no point in our life did we feel neglected to mamma aisi hoti thi ki hum log agar raat mein sote the to tab tak mamma kaam se nahi aayi hoti thi subah uthte the to mamma so rahi hoti thi for school obviously it was very early school se wapas aate to mamma kaam pe ja chuki hoti thi so you know staying in the same house for almost 3-4 days hum mamma se milte nahi the। मम्मा क्या करती थी एवरी टाइम वी यूज़ टू वेक अप फॉर स्कूल तो हमारे जो केयर टेकर थे नाश्ता वाश्ता बनाया होता तो साथ में डाइनिंग टेबल पे छोटा सा नोट और साथ में कोई छोटा सा प्रेजेंट एवरी सिंगल डे ऑफ आर स्कूल लाइफ वो पड़ा होता था। कभी वो लिपस्टिक वाले इरेजर्स कभी कोई चॉकलेट कभी कोई इस तरह की चीज़ एंड यू नो जब वीकेंड होता था तो वो हमें कभी कहीं लेके जाती थी सिंबाद होता था वहाँ पर बहुत फेमस कराची में वहाँ लेके जाती थी एंड मतलब वी नेवर फेल्ट निगलेक्टेड जो चाहिए होता था वो दिलाती थी वी एंड एट दिस पॉइंट आई रियलाइज कि तब यू नो दे वुडंट इवन पे वेरी वेल और साथ में कितनी जिम्मेदारियाँ उसके बावजूद आज मम्मा सेगा चाहिए मेरे दोस्तों को ज़्यादा इन बीकन हाउस वहाँ पे वो डिफेंस कैंपस था वहाँ पे ज़्यादातर जो है रिच किड्स होते थे उनके पास सब होता मम्मा वो ट्रॉली वाला बैग चाहिए अच्छा ट्रॉली वाला बैग आ जाएगा मम्मा वो इलेक्ट्रिक शार्पनर चाहिए वो आ जाएगा मम्मा सेगा चाहिए यूज सेगा मम्मा ने पता नहीं कहा था अब तो OLX वगैरह भी होती कहाँ से के दिलाया सो यू नो लाइक शी मेड श्योर दैट वी हमें कोई ख्वाहिश नहीं रहे किसी चीज़ की एंड डूइंग दैट एज अ सिंगल पेरेंट हु इज नॉट इवन मेकिंग दैट मच मनी विद सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो बड़ा मुश्किल था। तो अब मैं सोचती हूँ मम्मा से बार बार जाना कैसे लाइक हाउ डिड यू डू इट यू नो लाइक वेन शी वॉज अभी तक मम्मा स्टोरी सुनाती कि वेन शी वॉज हैविंग मी उनको वो प्रॉपर डिलीवरी के वो क्रैम्प्स के साथ शी ड्रोव हरसेल्फ टू द हॉस्पिटल हैड मी एंड ड्रोव हरसेल्फ बैक विद नो हेल्प व्हाटसोएवर यू नो मुझे तो लाइक लिटरली जरा सा स्टमक एक हो जाए मैं अली मम्मा ये वो सर दबा दें पट्टियाँ कर दें ये कर दें एंड आई एम जस्ट लाइक मतलब इतनी सी भी मुझे आपकी फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ भी मिल जाती ना तो शायद मैं आज दुनिया कॉन्कर कर चुकी होती। वैसे आप काफ़ी कर चुके तो खैर वो था फिर उसके बाद जो है 2006 में माई मॉम गॉट मैरिड टू माई डैड राइट नाउ एंड माशाल्लाह से उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ली कि कोई शायद असल बाप भी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं उठाता जिस तरह से उन्होंने उठाई यू नो ही गेव अस ऑल द लव स्पॉइल्ड अस सब कुछ। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन जो मुझसे छोटी बहन है वो हो गई तो हमारे लिए तो मतलब मेरे और उसमें 9 साल का फ़र्क है तो हमारे लिए तो ऐसे ऐसे कोई गुड़िया आ गई थी ना घर में
हम तो उसको सुबह सुबह उठा के ये कपड़े पहना, मिटन्स पहना, जूते पहना, बाल ब्रश कर, वो कर, वो कर, मतलब लाइक इस उम्र में जो ना ज़्यादातर बच्चे स्कूल में एम्बेरस्ड होते हैं बताने के कि मेरी इस उम्र में जाके बहन हुई है. हम तो उसको स्कूल लेके जाते थे, देखो हमारी बहन कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, लाइक रियली एक्साइटेड. तो खैर वो फिर उसके बाद उसके 2 साल बाद ईमान हो गई. तो यू नो बस लाइक एक एक ये वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, इतना ज्यादा गैप वाला, दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल इन इट्स ओन काइंड ऑफ. तो अब मुझ में और हया में एग्जैक्टली जितना गैप है उतना नबीहा और ईमान में है. एंड हम चारों का जो है एक बहुत ही, अब जाके बहुत अच्छा सा यूनियन बन गया है. पहले तो हया थोड़ी सी अलग होती थी, हम थोड़े से तीनों अलग होते थे, बट यू नो लाइक देयर, ये जो मेरी 2 छोटी बहन है, देयर प्रॉब्ली लाइक द बेस्ट थिंग माई मॉम गेव मी. एंड तो वो हम लोगों का बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट है. एंड देयर वी आर जस्ट 4 sisters. कभी हम लोगों को भाई की भी कमी नहीं महसूस हुई. हम कभी कहीं बैठते थे, लोगों को बताते थे, मेरी मम्मा बताती थी, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? 4 बेटियां. ओहो बेटा नहीं है कोई, अल्लाह बेटा दे आप. एंड वी आर लाइक यू नो वी डोंट इवन फील द नीड. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने खुश हैं. माई मॉम इज लाइक यू नो बेटियाँ ही मेरे बेटे हैं. जब बेटा बनने की जरूरत है बेटे बन जाते हैं, बेटियाँ बन. एंड आई फील लाइक यू नो मदर डॉटर रिलेशनशिप इज जस्ट ब्यूटिफुल. तो अल्हम्दुलिल्लाह यू नो डिस्पाइट एवरीथिंग वीव हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड, अ वेरी गुड टीनेज, अ वेरी गुड एडल्टहुड, सब अल्हम्दुलिल्लाह. यू नो अल्लाह मियाँ भी ना कॉम्पेंसेट करते हैं हर चीज़ को. और मेरे ख्याल में सिर्फ एक इंसान का डटने की ज़रूरत है कि वो डट जाए कि बस अब मैं खड़ा हूँ और अब मैंने इसी रास्ते पर होना है. एंड देन आई थिंक द होल यूनिवर्स जो है ना readjusts itself for that person. Yeah. Provided you are determined enough and you have faith in someone up there. तो फिर वो फिर ऐसी ऐसी जगहों से help करता है जहाँ आपने सोचा भी ना हो. अब जैसे वो 9 year gap ने नताली और वलिया में ऐसी तरह गया है. तो when I conceived her, मैं कहा, oh my god, how embarrassing. मैं तो literally when I was expecting, जब मैं show, मैं लोग भी जो छुप रही होती थी, किसी को पता ना चले इसके 2 पहले बच्चे इतने बड़े हैं, फिर सेवन के किड. लेकिन अच्छा वो हम सोचे अल्लाह वो मेट्रिक में होगी तो वो प्रेप में होगी, वो नर्सरी में होगी. हाय अल्लाह मम्मी तो वो स्कैंडलाइज ना. तो मम्मी कहती तुम खबरदार जो तुमने कोई तीसरा किया था जाना अपने ससुराल में. तो उधर मेरी नंद कहती हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ. लेकिन यू नेवर नो कि व्हाट अ जॉय दैट चाइल्ड कैन बी. एंड इट वाज सो वंडरफुल. आपका भी कोई छोटा भाई है इस तरह? मेरा छोटा भाई है, दो है ना, the oldest. So, मेरे से छोटी एक बहन है, 2 साल मेरे से वो छोटी है, और मेरे से छोटा एक भाई है जो 4 साल छोटा है. अच्छा तो आप लोग करीब करीब हो सारे? हम लोग काफी करीब हैं. तो उसके तो बड़ी टीम वर्क हो जाती होगी. नहीं You are the leader. हम लोग जरा अपनी अपनी मस्ती मस्ती में रहते हैं. मैं अपनी मस्ती में, मेरी बहन अपनी मस्ती में, छोटा अपनी मस्ती में. ये हर एक का एक अपना मिजाज होता है. ईच चाइल्ड. अच्छा मैंने कहा बड़ी इकोनॉमी होगी, 3 बेटे हैं तो वो सारे एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे. हर एक की डिफरेंट पर्सनैलिटी. नतालिया बड़ी फेमिनिन गर्ल टाइप, ये वो वाइट ड्रेसेस में सब हर वक्त उसको उसमें, और दूसरी पक्की टॉन बॉय निक्कर टी शर्ट में उसको, बस जब देखो गरारा भी पहना दो तो देखो तो वो दीवार पे चढ़ी हुई है, वो दरख्त पे चढ़ी हुई है. मतलब शी वॉज यू नो. तो यू कांट अस्यूम कि एक बच्चा ऐसा होगा ऐसा होगा. वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी, वो वैसा ही बनेगा. एंड द पेरेंट का यही होता है कि उसको उसको एज दे आर यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर. सीख रहे होते हैं ना विद टाइम कि पेरेंटिंग करनी कैसे है. ऐसी हमने किधर पढ़ के आए होते हैं. सवाए हमारे होम इकोनॉमिक्स में हमें चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, फैमिलीज का भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता था. और ये अमेरिकन बेस्ड है बेसिकली, फोर्ड फाउंडेशन ने इन्होंने किया था. एनी हाउ तो अब हम आगे चलते हैं. अब हम ये अच्छा आपके मदर का सिंगल पेरेंटहुड का आपने काफ़ी बताया है. और व्हाट अबाउट द कुक एंड फूड एंड सेफ्टी एंड यू नो योर मदर मैनेज्ड एवरीथिंग. फोन्स आई थिंक मोबाइल्स तो बाद में आए हैं, बहुत बाद में है ना. उसके चलो लैंडलाइन से बल्कि आई रिमेम्बर क्लियरली जब मोबाइल फोन आए थे तो मैंने कहा किसी बेकार चीज, हर जगह तो लैंडलाइन होती है, आप जहां भी होते हो कहते नहीं तुम्हें कहीं जरूरत. 2002 में थोड़ा सा गवर्नमेंट जी
तो उस मेरे हस्बैंड के पास सबसे पहले जो भी चीज होती थी वो उनके पास आती थी, और मैं सबसे बड़ी क्रिटिक होती थी, लाइक अ गुड वाइफ. तो और फिर उसके बाद आई वुड बी द मोस्ट यूजर. हमेशा ये VCR, हर चीज, एक वीडियो कैमरा. तो उसके बाद मैं ही सबसे ज्यादा यूज कर रही होती थी. तो वो ये था कि अब देखो फोन नहीं था, मोबाइल फोन, फिर भी शी वॉज कीपिंग इन टच विद यू ऑल एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू गिफ्ट्स एंड ऑल दैट. और आपकी अम्मी तो पूरी वो है फूड. फूड की, हैज शी स्टडीड फ्रॉम? नो, शी सेल्फ टॉट. एंड मजे की बात ये है कि उनको हमेशा से खाना बनाने का बड़ा शौक है. इट्स बिकॉज़ शी इज फ्रॉम कराची, दैट्स व्हाई शी मेक्स. मेरे से कभी भी कोई आर्ग्यू करता था ना कि तुम्हें नहीं पता बिरयानी क्या होती है, कराची की बिरयानी ये वो, मैं सोचता था, मैं कहा भाई मेरी अम्मा कराची से हैं, मेरे घर पे ऑथेंटिक कराची बिरयानी बनती है. भाई मेरा जो जिंदगी का सबसे बड़ा डिलेमा था ना शादी करके इस्लामाबाद मूव होने का, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद बिरयानी. अच्छा. और मुझे भी बिरयानी घर वाली नहीं पसंद, मुझे बिरयानी वो देग पकवान वाली, मसाले वाली, वो घुली हुई पसंद है. तो मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग कभी यूनिवर्सिटी से जाके कोई फेमस बिरयानी स्पॉट पे खाते थे. तो मुझे ये था मैं इस्लामाबाद में कहाँ से बिरयानी खाऊंगी, मतलब आई बिन टू इस्लामाबाद, पुलाव जैसी बिरयानी हर जगह से मिलती थी, कहीं से अच्छी बिरयानी नहीं मिलती थी. तो जब मैं अपने इलेक्टिव्स करने के लिए आई थी पिम्स में, तो एक दिन जो है हिज मॉम सेंट अस बिरयानी, मी एंड माई फ्रेंड मारिया. तो हमने बैठ के जो बिरयानी खाई, वी वर जस्ट लाइक इन शॉक. हियर इट इज कि कैसे, यू नो लाइक, और तब तक हमारी शादी नहीं हुई थी. तो आई वाज लाइक नहीं, वो बिरयानी की वजह से तो नहीं कहीं, बस वो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था. आई वाज लाइक शादी तो इसी से करनी. तो वो तो शी मेक्स लाइक द बेस्ट बिरयानी, जस्ट कराची स्टाइल की बिरयानी. वो साथ में उसमें कोयले का भी वो धुआं डाल के स्मोकी बिरयानी. एंड मजे की बात ये है कि शी आल्सो, व्हेन वी मूव्ड टू इस्लामाबाद ना, हमारा एक ड्राइवर होता था तो बहुत पुश करता था, बाजी आप ना बेचें, मैं ना गाड़ी में ही ना देख जो पतीला वो लगा के. मैंने कहा बड़ा फूलिश वैसे साउंड करता है. थोड़ा सा हम बड़े हुए ना, थोड़ी सी बिजनेस सेंस भी आई और अम्मा का शौक भी देखा, मैंने कहा व्हाई नॉट कैपिटलाइज दिस. तो हमने किया, दिस वाज बैक इन आई थिंक 2017 और 16. मामास किचन, हमने मामास किचन डैश होममेड कुजीन, ये एक हमने पेज बनाया. It does ring a bell. भाई basically he just wanted, you know, he wanted कि वो financially independent भी हो और साथ में, you know, अपना वो जब एक इतना talent है तो उसको वो दुनिया के साथ share भी करे. शौक का शौक, पैसे के पैसे. तो मैंने अब हमने ऐसे डिजाइन किया उसको कि सिंगल सर्विंग निकालते हैं, प्लस अगर कोई बड़े ऑर्डर हैं. अब लिटिल डिड वी नो कि हमारा प्राइस पॉइंट हमने इतना कम कर दिया कि मार्जिन 70-80 रुपए का रख दिया. बच्चे थे, छोटे थे. करते करते एंड में ना वो अब आता कोई को लड़का लेने आ रहा है बिरयानी, आंटी आपने दो बोटियां दी हैं, पांच तो दें जबरदस्त. अब आप शर्मा शर्मी में डाल देते हैं. ज्यादातर क्या रिस्पांस आता था कि मिर्चें तेज हैं. अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद इस्लामाबादी मुझे माफ नहीं करेंगे. मैं पहले कान पकड़ के आप सबसे थोड़ी सी माफी मांगता हूँ. सेवर पुलाव मेरी नजर में अच्छा नहीं है. अच्छा, मैं खुद ही बोलती हूँ. I don't like it. अच्छा, जिन जिन लोगों ने प्रॉपर पुलाव, अच्छा, it's not अच्छा पुलाव, it's like जीरे वाले चावल विद अ कबाब. आई फील अगर किसी पुलाव को रायते की या कबाब की जरूरत है ना, वो पुलाव नहीं है. ठीक है, वो नॉर्मल बस उबले हुए चावल है. तो सेवर को गले से नीचे उतारने के लिए रायता डालना पड़ता है. नाउ आई फील वो देते हैं ना साथ. एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट. हाँ, लेकिन वो मे बी फेमस होने का प्राइस, अब वो प्राइस पॉइंट था, क्वांटिटी थी कि स्टूडेंट्स ने जाके वो मतलब जरा फेमस हो गया. अब मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अम्मा का पुलाव. अब फीडबैक क्या मिल रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया में हैंडल करूँ ना, फीडबैक मिल रहा है जी पुलाव में मिर्चें हैं या पुलाव में ना ये सेवर वाली बात है. हाउ कैन यू इवन कंपेयर दिस टू सेवर का पुलाव. अच्छा, इसके ऊपर ना वो अपने प्याज अलग से नहीं दिए, ये वो फलाना, मतलब काफ़ी क्रिटिसिज्म. अब कढ़ाई फॉर एग्जांपल आपको दे रहे हैं, पहली बार आपको सिंगल सर्विंग कोई भी नहीं देता कढ़ाई. आई थिंक 200-250 रुपए की हम देते थे, 100 रुपए उसमें बचते थे. चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, एंड इट इज द बेस्ट कढ़ाई यू विल एवर हैव. वेरी बिग क्लेम, बट आई एम सीरियस. तो मैं तो अम्मा से अभी कोई फूड फेस्टिवल हो रहा था ना, मैं अम्मा को बोल रहा था, मैं कहा यार लगा ही लेते, हमें क्यों नहीं पता था कि होने वाला है, स्टॉल लगा लेते, देख लेते.
आई पर्सनली फील कि मे बी लोगों का टेस्ट इतना इवॉल्व हुआ है बिकॉज कराची ईटरीज लाहौर की जब हमने किया था मे बी उस टाइम पे नहीं था इतना रुझान भी नहीं था फूड का तो बट बंद करने का ये फैक्टर नहीं था कि लोगों को टेस्ट दीज वर जस्ट लाइक टू और थ्री पीपल या फोर पीपल बट इट वाजंट वेरी प्रॉफिटेबल ईदर यू नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल गिव वेरी गुड फीडबैक आल्सो सो ब्लॉगर्स को भी भिजवाया था उन्होंने बहुत अच्छा बंद करने का फैक्टर ये था कि अम्मा बहुत पैनिक हो जाती थी हाय अभी टाइम पे नहीं डिलीवर हुआ हाय मैं कैसे करूंगी हाय बिकॉज़ शी वाज डूइंग इट अलोन आई नो मैनेजिंग अ बिजनेस अलोन विद नो हेल्प व्हाटसोएवर कुछ भी बिकॉज़ तब तो यू नो लाइक मासी रखी हुई थी वो अपना लाइक यू नो हाउस हेल्प जो है वो अपने घर का काम करती थी एंड वो किचन में बिल्कुल भी नहीं हेल्प कराती थी एंड ऑब्वियसली दे लाइक यू नो यू कांट अफोर्ड टू हायर समवन स्पेशली फॉर अ न्यू बिजनेस जब वो कुछ कहीं पहुंचा भी नहीं है तो वो बहुत पैनिक हो जाती थी तो यू नो इट वाज नॉट वर्थ इट फिर हमें लेटर ऑन थोड़ा समझ आया हमने कहा चलें इसके लिए बंदे रखे जाएं मेरा एक जानने वाला एक दोस्त था उसका कोई ऐसा ही मॉडल था तो उससे डिलीवरी बेस्ड था मैंने उससे पूछा कैसे करते कहते मैंने एक पोर्शन रेंट पे लिया हुआ है वहीं पे मैंने ना मल्टीपल गैस के चूल्हे लगाए हैं तो इस तरीके से मैंने कहा तुम्हारी अम्मी बनाती कहते वो बहुत पहले बनाती थी अब अम्मी बस सुपरवाइज करती हैं मैंने कहा ये अच्छा ये करते हैं तो अभी भी हम सोचते हैं लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार दोबारा से उसी हम नगरी में जाएंगे कैसे फिर होगा अच्छा हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के जो टीचर थे शुजा वो कह रहे थे कि जब हम पढ़ रहे थे ये तो हमारे कॉलेज के सामने एक बिरयानी की सुजुकी खड़ी होती थी और हम क्लास के बाद भागते हुए जाते थे क्योंकि हम अगर ज़रा लेट हो गए तो उन्होंने कहा जी वे सोल्ड आउट ख़त्म हो गया तो कहते मतलब अच्छा कहते हम साल के बाद अगर आप देखो कि कोई जॉब कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 rupees इंक्रीमेंट मिलेगी इफ़ ही इज़ वेरी लकी वरना 5,000 या 2,000 2,500 मिलेगी पूरे साल काम करने के इधर ये हाल था कहते जब तक हम पढ़ रहे थे कॉलेज में उधर तक हम उस बिरयानी की कहानी देख रहे थे सामने कहते पहले वो बाहर एक वैन में था उसके बाद उसने सामने वाली एक शॉप खरीदी फिर उसकी डबल स्टोरी फिर ट्रिपल स्टोरी कहते ये तो देखते ही देखते कहते हमने हिसाब लगाया कि एक प्लेट उसको कॉस्ट कितनी कर रही है और वो चार्ज कितना कर रहा है वो सारे डायनेमिक्स जो वो कर रहा था तो इट वाज अ सक्सेस कहते हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं और वो हमें दिखा रहे हैं कि हाउ टू सक्सीड नहीं नहीं इन लोग ये लोग जो है ना बहुत दे आर वेरी स्मार्ट इन द सेंस कि दे नो स्ट्रीट स्मार्ट अब जैसे कराची में आई नो काउंटलेस पान वाले जैसे आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट और नॉट एमीज जो है एक खड्डा मार्केट में बहुत बड़ी सुपरमार्केट है जो कि अब क्लिफ्टन में 3-story सुपरमार्केट बन चुकी है मेन क्लिफ्टन 3 तलवार पे 2 तलवार पे स्टार्ट फ्रॉम अ पान का खोखा पान के खोखे से पान की शॉप बनाई शॉप से फिर साथ में सुपरमार्केट बनाई सुपरमार्केट से वो बनाई एंड लाइक प्रॉपर इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैंसी सारी इंपोर्टेड चीज़ों वाली सुपरमार्केट इसी तरीके से आई नो 2-3 बिजनेसेस जिन्होंने पान के ही बिल्कुल खोखे से शुरू कराची में तो खैर पान का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा बट यू नो दीज पीपल मेक अ होल एम्पायर आउट ऑफ नथिंग विद नो फॉर्मल ट्रेनिंग नथिंग हमेशा ट्रेनिंग एक देते थे जो बचपन में समझ नहीं आती थी आज बाकी कहते आई फील कि एक जो आपको पठान नजर आता है ना उससे हार्ड वर्किंग बंदा कोई नहीं है भाई पठान आई मीन एनी मोची एनी किरयाने की दुकान वाला इज लाइक कोई भी पठान खटक जनरल स्टोर हर जगह पर कोई ना कोई होता है इस्लामाबाद में तो हर जगह पर ही होगा किसी भी खटक जनरल स्टोर पर जाके बैठ जाओ ठीक है दिन के 1-2 घंटे डेडिकेट कर दो मैंने कहा पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं यार कोई करने वाली बात है इतनी बड़ी बात है बिग डील कि आप एक बच्चे को बोल रहे हो कि आप जाके ना किसी दुकान पर बैठ जाओ तब तो बच्चे को स्टूपिड ही लग रहा बट नाउ यू थिंक अगर कर लेता मैं तो कितनी नॉलेज मिलती हमारे अब्बा ने हमें थोड़ा सा ना टेढ़े तरीके से थोड़ा मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रेन किया उन्होंने चीजें जनरली उनका बहुत एक्सपीरियंस है आई थिंक 40 ईयर से वो मिनिस्ट्री आईटी में काम कर रहे हैं ठीक है वो इसी टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्होंने एक चीज एनालाइज की उन्होंने बोला यार इट्स ग्रेट ठीक है आपको पावर मिलती है आपको अथॉरिटी मिलती है सारी चीजें रिस्पेक्ट मिलती है बट रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलता है प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी तो मुझे शुरू से उन्होंने बोला कहते हैं कि बेटा देखो बिजनेस करना मैं कहना बहुत आसान है खुद तो उन्होंने किया नहीं उस तरह से किया। तो उन्होंने वैसे किए 90s 70s में तो उनके ना बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस रहे स्कैम्स हो गए फ्रॉड हो गया कुछ हो गया पैसे लोग खा गए वो सीधे आदमी थे बेचारे तो मुझे किस्मत से मिला एक दोस्त मैं अनिया को बार बार बताता हूँ आई थिंक आई ओ अ लॉट ऑफ सक्सेस टू हिम
वो उस टाइम योर फ्रेंड टू माय फ्रेंड वो मेरे से रिच डैड पुअर डैड मे बी यही था ये ना उसका दोस्त था लेकिन मैं थोड़ा सा ना जिसको बोलते हैं एक रिफ्लेक्शनिस्टिक बंदा होता है हाँ। जो अगले को देख के सीख लेता है तो मैं वन ऑफ दोस्त था तो वो यूफोन में काम करता था बस सीनियर पोजीशन पे था फाइनेंस में तो उसने वो भी ACCA में था मैं देखा था कि सब ACCA में जाऊंगा मैं भी 3 साल बाद 4 साल बाद इस तरह कर रहूँगा वो मुझे कहता था कि यार मैं ना भावलपुर से बिलोंग करता हूँ मेरी ड्रीम जॉब होती थी कि एक बैंक में बैठा हूँ क्लर्क हूँ और ऊपर पंखा चल रहा है वो जो टॉप लंबी सीलिंग वाला होता है कहता मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस्लामाबाद आके मैं ये जिंदगी यू नो इमेजिन करूँगा बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही टोल्ड मी यार दिस सैलरी इज़ नॉट इनफ यू नो मैं नोटिस करता ना क्रेडिट कार्ड डेट एंड अगेन मैंने वहीं से मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली भाई क्रेडिट कार्ड के डेट में नहीं फंसूंगा कभी कर्जे में नहीं जाना अब्बा से भी सीखा दोस्त से भी सीखा फिर मैंने उसकी जॉब एक्सपीरियंस सीखा कि ही इज़ जॉब ओरिएंटेड ही इज़ डूइंग फाइन फॉर हिमसेल्फ बट आई थिंक आई नीड टू डू वे मोर तो वो खटक वाली बात है यार वो एक्टिवली कितनी देर बैठता होगा दुकान पे उसने बंदे रखे हुए हैं कोई छली वाला आप देख लें आपको क्या लगता है वो कितने कमाता होगा कोई खोखे वाले को कितने कमाता होगा ये लड़के आपस में बड़ी बात करते हैं कि चाय के ढाबे वाला कितना कमाता होगा एंड एवरीथिंग बट द थिंग इज एग्जीक्यूट तो करो ना मेरे सारे दोस्तों में और मेरे में सिर्फ एक डिफरेंस है मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि वो मेरे से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट होंगे प्रॉब्लम इज कि मैं एग्जीक्यूट कर जाता था वो नहीं करते थे वो बातें करते थे ब्रो बेस्ट क्वालिटी बेचूंगा ये मैं तो कुछ भी बेच ले यार बेच तो सही आई फील जॉब ओरिएंटेड जो लोग होते हैं दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क्स यू नो वेरी स्केयर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड नॉट इवन नोइंग कि इसका फायदा होगा बिकॉज बिजनेस इज अ गैम्बल आप पैसे तो अपने सारे लगा देते हो उस पर लेकिन यू डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क आउट और नॉट आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई फील लाइक उनकी भी बेचारों की गलती नहीं बिकॉज देर वेरी यूज टू स्टेबल फिक्स्ड इनकम कमिंग इनटू द हाउस एवरी मंथ देर कंफर्टेबल विद इट तो हर किसी में यू नो इतना नहीं होता जिगरा कि वो पैसे अपने हार्ड अर्न मनी ये सेविंग्स लगाए एंड आपको पता है कि आप जॉब पे गए काम किया आपको महीने के एंड में सैलरी मिल जाएगी बट विद बिजनेस यू डोंट नो हो सकता है वो डूब जाए हो सकता है वो कहां से कहां पहुंच जाए बट दिल जिगर था इट्स अ रिस्क यू हैव टू बी सॉल्यूशन आपको ना स्ट्रेटजी भी है ना उसके साथ स्ट्रेटजी है प्रॉब्लम लाइज विद द पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये मैंने बच्चे को एमबीए कराना है एमबीए नॉलेज देगा लेकिन वो बिजनेस कराएगा नहीं देता ठीक है आपको बच्चा 14-15 साल का 13 साल का उसके दिमाग में एटलीस्ट डालना स्टार्ट कर दें एंड थ्रो हिम आउट इन द मार्केट ऑन द स्ट्रीट्स ठीक है ही विल लर्न फ्रॉम द स्ट्रीट्स यू विल नेवर सी के कोई किताबों से सीखा है किसी ने ठीक है वो नॉलेज एक बुकिश नॉलेज है जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होता मुझे आज को बोलिए डिस्काउंट फैक्टर में ये होता है फलाना होता है इन्फ्लेशन होती है डज नॉट मैटर इन द रियल वर्ल्ड आज की डेट में जो रियल वर्ल्ड में आपको सड़कों भी सीखेंगे वो आप 5 क्लास की मैथ ही आपको याद आएगी उस टाइम पे 15 साल के बच्चे को मार्केट में फेंकें वो सीखेगा वहां से कि क्या होता है देखो रियल वर्ल्ड वो है जो आपके गेट के बाहर है एग्जैक्टली दैट्स द रियल वर्ल्ड बट व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज 15 साल के बच्चे को क्या है नुकसान मुझे पेरेंट्स को जो है थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसी 3 से जो है सिखानी कि आप चलो बेटा यू नो मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं बिकॉज़ अली स्टिल टॉक्स अबाउट हाउ ही डेवलप्ड दिस माइंडसेट बिजनेस का मतलब शुरू से ही ना ही ऑलवेज वॉन्टेड टू डू बिजनेसेस तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि 15 साल ये 16 साल के बच्चे में इतना दिमाग कहाँ से आता था कि यू नो पिंडी से लाके जीन्स अपने रिच फ्रेंड्स में डबल प्राइस पे बेचती है शील्ड्स लाके बेचती है तो यू नो व्हेन ही वांटेड टू डू द सप्लीमेंट बिजनेस ही वेंट टू हिज डैड डैड डिडंट हैव अ जॉब एट दैट पॉइंट ही वाज जॉबलेस फॉर 4 इयर्स सो लाइक आपके पास रेंट देने का पैसा नहीं है आपके पास राशन का पैसा नहीं है बिल्स मतलब मैंने I'm not exaggerating. My dad might watch this video. I'm sorry, dad, if you watch this, but I have seen him cry. I have never seen my father cry. I have seen him cry through those times. And मेरी मम्मी का सारा सोना बिक गया मतलब हम बहुत बुरे टाइम से गुजरे हैं उस पॉइंट पे मेरे बाप ने 32,000 का चेक मुझे काट के दिया कि ये बेटा कैश कराओ बिजनेस तो मुझे प्लीज पैसे दे हाउ मच दैट इज द या एंड एट दैट पॉइंट आई थिंक इफ ही वुड हैव सेड नो तो आई डोंट थिंक ही वुड हैव बीन यू नो व्हाट द रेंट हमारे घर का रेंट क्या था हम एक पोर्शन में रहते थे हमारे घर का रेंट था 27,500 और उन्होंने 32,000 रुपए का मुझे चेक काट के दिया था अब आप आइडिया लगा लें अब वहां से वो जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ ना वो कभी नीचे नहीं गया कि अभी भी मैं उनके सामने कोई आइडिया फ्लोट करता हूँ हाँ ठीक है कर लेते हैं अब तो वो he has that faith in him ना कि यू नो हाँ ये बेटा अब तो वो मुझे 20-20 चीजें बोलते हैं मैं कहता हूँ मेरे दो हाथ हैं दो कान हैं दो आँखें अब तो वो खुद आके हाँ यहाँ से लेंगे बेच लो यहाँ से मसाले बेच लो ये कर लो वो कर लो वो खुद ला के दे रहे होते हैं बट एट दैट पॉइंट आई फील लाइक दैट वाज
सच अ बिग डील, बिकॉज अगर वो ना बोलते तो आई वुड नॉट इवन हैव ब्लेम्ड हिम एज अ पेरेंट. बिकॉज जब आपके पास अपने घर पे खाने के पैसे नहीं है तो कहाँ से बेटा जिसने कभी कुछ करके नहीं दिखाया उसको क्यों आप उठा के 32,000 रुपए दे दोगे. आई ऑल्सो वांट टू you know, I tell think it's people, a big salute to your father. It is for his guts and his faith in you. अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता. और काफ़ी मुझे जनरली लोग हैं जो बोलते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. आपकी पिछली जो वीडियो थी ना उसमें मैं कमेंट्स पढ़ था कि पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये लोग खुद बाहर जा रहे हैं, एवरीथिंग दैट्स फॉर अनदर डे. वो भी कभी डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे क्या हो रहा है. बट आई टेल यू क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैंने क्या काम किए एंड हाउ टू एग्जीक्यूट. अगर कोई देख रहा है आप में से, आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मैं आपको सोर्स ही बता देता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 15, ठीक है, मुझे बिल्कुल शुरू शुरू में कुछ नहीं पता था. मैं करीम ब्लॉग गया, मैंने पैंट्स ली, वो 700-800 रुपए की मिलती थी, आज भी मिलती हैं, जाके बेच दें कहीं भी, ठीक है, आप रिटेलर को जाके बेच दें, एक बिजनेस हो गया. सेकेंड वन आई स्टार्टेड वाज सोविनियर्स, जो अवार्ड्स शील्ड्स होती हैं स्कूल्स में जो आपको मिलती हैं, ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटीज को जाके बेची, एडवांस ले लिया, आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वहीं पर पूरा हो गया, ठीक है, बाकी पेमेंट आपने लेनी, आपने खुद नहीं बनाना, ठीक है. मैं लिटरली यहाँ से उतरता था, मैं मेट्रो पे बैठता था, 20 रुपए की टिकट 50 रुपए की लेता था, सदर में बाबू मोहल्ला है, ठीक है, वहाँ सीरियसली आपने जाके बाबू मोहल्ला नहीं बोला किसी को, मैंने छोटा बाजार बाबू मोहल्ला, ठीक है, वहाँ पे जाके बोले पहुँच जाए, आपको 50 लोग मिल जाएंगे बनाने वाले, उनसे बोले बना के दे दें कि हाँ आप कितने मिलीमीटर की है वो सैंपल ले जाए, खरीद लें एक दफ़ा. सो सप्लीमेंट्स के हैं, आपको 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, ठीक है. मैंने बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स बहुत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बेचे. क्या गारंटी होती थी भाई, डब्बा खोल के चेक कर लो, नहीं जेन्युइन हुआ मैं वापस लूँगा, हालांकि मेरी कॉस्ट है, मेरे पास पैसे भी नहीं है. मैंने आपको और मार्केट से आपको 1,000-2,000 कम देता था, आई डेंट हैव मनी टू स्केल इट, तो आई लेट इट गो. पॉइंट यह है कि 15 साल के बच्चे के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन बाय द टाइम वो 25 का होता है ना, उसके पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, उस टाइम पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता. मैं अपने अबू को बात करता हूँ, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है. मैं अबू को कभी बोलता हूँ ना कि यार वो देखें वो नहीं करता, कहते बेटा देखो उसके पास ना अब जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता. कि मैं किसी दोस्त को बोलता हूँ ना, इसकी दोस्त है, मैं उसको काफ़ी बार बार लेक्चर देता हूँ ये करो, कहती यार आई कॉन्ट अफोर्ड दैट, यू नो, अब मैं इस स्टेबल लाइफ की मैं आदी हो गई हूँ कि मैं इतनी ज्यादा जो वॉलेटाइल जिंदगी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती. व्हेन यू हैव किड्स आल्सो यू बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस, फिर आपको ये होता है कि मैं कोई रिस्क ना लूँ, यू नो मेरे बच्चे हैं, उनकी जिंदगी है, उसके लिए मुझे कमाना है, आई नीड अ स्टेबल इनकम, आई कांट अफोर्ड टू. सो दैट्स व्हाई यू नो द वाइजेस्ट थिंग टू डू इज कि टीन्स में, अर्ली टीन्स में, जिम्मेदारियों से पहले जब अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो तभी कुछ ट्राई कर लो एंड तब यू गेन दैट फाइनेंशियल, बिकॉज देन यू हैव नथिंग टू लूज. ओह भाई ये पॉइंट तो बहुत ही गहरा आपने पॉइंट निकाला. तो अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे. उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा, एक लव भी होना चाहिए लाइक के बजाय, लव इट. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और बड़ी जबरदस्त सेंसेशनल बातें हो रही हैं. आप जल्दी से आए, बिजनेस अभी शुरू करना है. इम्तियाज रस्तगार, वेलकम टू माय स्टूडियो. बहुत शुक्रिया. जब एक पाकिस्तानी पाकिस्तान से चला जाता है जी, तो पाकिस्तान 6 कदम पीछे हो जाता है. ऐसी बात है. ये जो सेवर वाले साहब है, जब ये आए थे तो ये फैसलाबाद के किसी गांव से आए थे. ही हैड 500 रुपीज ऑन हिज, और इन्होंने एक देग पका के, सेवर भी इनकी तालीम ऐसी नहीं थी कि पता नहीं किसने वो ऐसे VOUR वाला सेवर लिखा. और आजकल जो तालीम याफ्ता बंदे हैं ना, वो मेरा ख्याल है सेवर की अंग्रेजी में नहीं जाते, इसको सेविंग वाले उसमें चले जाते हैं शायद. है? सेवर किसी ने नाम रखा. एक पीस चिकन का फ्राइड और एक ये, ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर. और ये गोल्डन कॉलेज के पीछे एक कोना सड़क का, जहाँ पे इन्होंने अपनी देख रख के ना सड़क के बराबर स्टार्ट किया है. ही इज़ ए मल्टी बिलियनर है टुडे. वेलकम बैक भाई. यहाँ तो बड़ी सख्त दिलचस्प कहानी हो रही है, कहानी नहीं हकीकत, हकायक पे मबनी कहानी है ये. और हमने देखा कि जब एक टीनेजर, आनिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि ये शादी बच्चे और इन चीज़ों के से पहले ही आप इस तजर्बे से गुजर जाएं तो बेहतर है, ताकि आपके पास मार्जिन हो. वैसे भी अम्मी अब्बू के घर कम से कम खाना पीना छत तो है, सब कुछ है, सिर्फ इजाज़त की कसर है. इजाज़त अगर मिल जाए
तो आप लोग ये काम ज़रूर करें। और मुझे फिर ये मैंने कहा कि देखो आप हमजा, आप तो लड़का हैं, आपको तो इजाज़त मिल जाएगी अंदरून शहर वो तो कहाँ कहाँ जाने की, तो बेटी को कैसे इजाज़त मिलेगी। तो फिर हमजा ने कहा भाई आजकल के ज़माने में तो कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप भाई क्या करें और उससे वो सारा कुछ हो जाएगा, ऑनलाइन हो सकता है। तो आजकल तो भाई आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई आपको अब सारे गुर बताए जा रहे हैं, आप लोग कॉपी पेंसिल लेके खड़े हो जाएं, बढ़ के बैठ जाएं और आराम से एक एक पॉइंट लिखते जाएं और सीखें कि आनिया और हमजा क्या सिखा रहे हैं हमें। मैंने तो अपनी बहनों को, जो मेरी छोटी बहनें हैं, दे आर 15 एंड ऑलमोस्ट 17-18, तो बहुत, वो खुद अपने आप को बोलती है अभी से 6 महीने पहले से मैं 18 की, तो मेरे भी दिमाग में वही बैठ गया जब आपको बड़ा होने का शौक होता है। तो खैर उनको मैंने जो है आई वाज लाइक यू नो यू हैव टू डू अ बिजनेस, यू थिंक ऑफ समथिंग एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, पैसे मैं लगाऊंगी एंड आगे जाके यू हैव टू रिटर्न मी दैट इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने मुफ्त में लगा दिया, लाइक थोड़ी जिम्मेदारी भी, वो जो पैसे व्हेन यू आर इन प्रॉफिट तो यू विल रिटर्न मी माई इन्वेस्टमेंट। तो खैर उन लोगों को नाखूनों का बड़ा शौक होता था भाई, नेल कलर ये वो फलाना ढमकाना, तो लाइक हमें ना नेल आर्टिफिशियल नेल्स का बिजनेस करना है कि हम लोग जो है वो एस्थेटिक नेल्स जो होते हैं आप, तो आज लेकिन अच्छा चलो हम तीनों बैठ के, मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं आपके लिए ढूंढ देती हूँ आपको नो स्पून फीडिंग, आज लेकिन लेट्स थ्री ऑफ अस सिट डाउन टुगेदर एंड लेट्स फाइंड यू नो अ रीजनेबल वेंडर कि हमें कहाँ से सस्ते मिलेंगे, हमारे जो है प्रॉफिट कहाँ से मैक्सिमाइज हो सकते हैं, तब तक आप लोग जो है ऑनलाइन स्ट्रेटजीज देखो, पेजेस अपना कोई सोशल मीडिया अट्रैक्टिव सा बनाओ, फोटोग्राफी करो, डिज़ाइंस देखो। तो खैर वो बड़ा करके उनको सेटअप करके दिया, उन्होंने वो चलाया, आई डिड वेल फॉर यू नो वेरी लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद उनके ज़रा एजुकेशनल कमिटमेंट्स बढ़ गए, उनसे नहीं मैनेज हुआ, इट्स ऑल्सो लाइक अ लर्निंग कर्व यू नो, वो फिर वो बाहर से हम चाइना से भी मंगवाते थे तो वो भी थोड़ा सा उसमें बीच में इम्पोर्ट बैन और ये सारी चीज़ें आ गई तो बहुत बैरियर्स आए उसमें, तो eventually they had to let it go, but I'm glad कि उनको जो है थोड़ा सा they realized it was not easy। इस तरह से ना बच्चों को अपने माँ बाप के बहन भाइयों की भी पैसों की कदर आती है कि money doesn't come easy, you know, like we can't just, बहुत ज़रूरी है because before that they don't know, उनको पता है कि हाँ अम्मी काम पर जाती हैं, अबू काम पर जाते हैं, पैसे आते हैं, we are set for life, you know, मतलब हम लोग we are fully funded, living, you know, rent free, खाना मिल रहा है, बल्कि उनको criticize भी कर रहे हैं कि आपको तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो खैर हम लोगों ने वो किया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अभी भी माशाल्लाह से they are 15 and 17 and earning good money, they have their bank accounts, पैसे हैं, savings हैं, बल्कि मेरी छोटी बहन तो अभी लगी हुई अम्मी अबू इतनी सेविंग्स कर लिए कि अम्मी अबू को उम्रे पे भेजना है, माशाल्लाह से। तो यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि शाइनिंग एग्जांपल्स हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू नो इफ आई गो एंड आई सी कि यू नो हाँ अच्छा नबी हैज लाइक ओ मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है बट यू नो आई विल वेट अ मंथ टू गेट इट, आई विल यू नो पुट अवे सम मनी एवरी वीक, यू टीच द किड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हालांकि दे हैव द मनी, आई नो दे हैव अ लॉट मोर देन अ 15 एंड 17 ईयर ओल्ड शुड हैव, बट आई एम ग्लैड दैट दे हैव यू नो इतनी सेंस है उनमें कि उनको पता है कि हाँ अगर कोई चीज पसंद आ रही तो एकदम से जाके लेनी लेनी, नीड टू थिंक ऑफ इट, यू नो वो अगर मुझे देखते हैं तो मैं देख उनको बताती हूँ कि यू नो नबीहा ऐमान अब ये हमेशा से ऐसी नहीं थी चीज़ें, इफ आई एम एबल टू जस्ट गो एंड बाय समथिंग आई लाइक इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट हियर, और अगर मैं वो चीज़ भी जाके लेती हूँ तो तब भी मैं सोच के लेती हूँ कि अच्छा अगर मैं ये लूँगी तो ये कितने परसेंट है ऑफ माई सेविंग्स, तो आई शुड यू नो थिंक अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि मैं 50% अपनी सेविंग से कोई चीज ले ली, दैट्स नॉट द केस। वाओ भाई जबरदस्त, यू नो यू हैव टू थिंक ऑफ दीस थिंग्स, तो परसेंटेज निकालनी आती है। चलो और महंगे शौक का ना फायदा भी है, मैं नहीं हूँ कभी कभी बताता हूँ, मैंने कहा यार कभी कभी आप महंगी चीज़ें ले लेना, या बचपन में कभी आपको दो चार चीज़ें मिल जाएं उसके बाद आपको ऐसी लत लगती है ना, मैं आपको बताता हूँ मेरी जो ड्राइव रही है, मतलब अगर आपको महंगी चीज़ नहीं चाहिए तो आप भागेंगे किसके पीछे, आपको लेट से घर लेना है, मेहनत करेंगे ना कोई, बस आपकी अगर सिर्फ यही है कि मैंने राशन करना है, रेंट देना है, फलाना है ये वो, तो अपनी मोनोटोनस स्टेबल जिंदगी सोच रखनी है। हाँ मतलब मैं सोचता हूँ ठीक है मर्सिडीज लेंगे, एस क्लास लेंगे, एस क्लास लेनी है तो एस क्लास के लिए फिर मेहनत जाहिर, अगर आपका गोल ही है कि मैंने होंडा सिटी लेनी, मैं ये नहीं बोला कि होंडा सिटी बुरी है, ये क्या कुछ लोगों के लिए बहुत एक सारी जिंदगी कमाई होगी, बट गोल एक ऐसा रखें जो अचीवेबल ही ना हो, ठीक है, ताकि यू नो एंडलेस किस्म की आपकी मेहनत, दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाए ना टू वर्क टुवर्ड्स इट। मैंने जो है एक स्टीव हार्वी की वीडियो देखी थी कि ही इज़ लाइक आप जो है एक दफ़ा अनकंफर्टेबल होके और बहुत जो है ना सेविंग लगा के जोर जाड़ के बिजनेस क्लास की टिकट ले लो, सही है, जाके बैठ जाओ,
He's like, once you sit in those seats where you can sleep, you won't even know आप अपनी destination पे पहुंच गए, आपको खाना लाके serve हो रहा है, आप you know बहुत bed बन जाती है seat, अपनी 12 घंटे की flight हो गई, आपको पता भी नहीं चला, no backache, no foot swelling, no nothing. तो next time once you pass that business class, go into economy, sit there, you'll be so uncomfortable कि your mind will automatically start thinking of ways to make more money to afford business class. So मैंने बड़ी ना उसकी बात दिल पे ली, एंड जब मैं अपना पार्ट वन देने गई थी एग्जाम का यूके, तो मेरे पास जितने पैसे थे ना, मैंने उसका टिकट ले लिया वन वे वापस. मैंने बोला इकोनॉमी पे आ जाऊंगी, वन वे बिजनेस क्लास का टिकट ले लिया. अच्छा, मैं बैठी हूँ, जो ट्रीटमेंट मैं अंदर एंटर हुई हूँ, जो वहाँ पे आपको ग्रीट करने के लिए एयर हॉस्टेस बैठी हूँ, शी इज लाइक, हेलो माई नेम इज दिस, लेट मी टेक यू टू योर सीट, बिठा के आएंगे. मैंने बोला भाई क्या. अच्छा, अब मैं बैठ गई वहाँ, पूरा वो मैं 8 घंटे की फ़्लाइट पता ही नहीं चली. मैं पढ़ते पढ़ाते मूवीज़ देखते 3 दफ़ा मुझे 8 घंटे की फ़्लाइट में खाना सर्व होने पहुँच गया. लाइक दिस इज़ द लाइफ, आई वांट दिस लाइफ ओनली. तो खैर, फिर उसके बाद मैंने अली को बताया, इज़ लाइक नहीं नहीं बहुत अनरीजनेबल है बंदा जब अस्केट वन. अच्छा, अब आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन शुड डू दिस, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रायोरिटी इज़. तो खैर, मैंने अली को लाइक नहीं बंदा जब 1/4 उसमें पहुँच सकता है तो क्यों जाए, ये करे वो करे. अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब मैं पार्ट 2 देने गई ना अपना, तब अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड अफोर्ड इट, मैंने तो करवा लिया अपना. अली को बहुत अनरीजनेबल लगता था ये कि ये मैंने नहीं, वही ना आप, हाँ, देखना yeah. आप नहीं देखना चाहते. तो मेरा मैथ्स अच्छा था, he was supposed to join me after I have given my exam and we were supposed to have a little vacation in UK. मैंने क्या किया, मैंने ट्रैवल एजेंट को फोन किया, मैंने पैसे देते हैं उसका अपग्रेड करा दो बिजनेस क्लास में, करा दिया. इसको मैंने फ्लाइट वाले दिन बताया कि मैंने ना अपग्रेड कर दिया है, तो यू आर गोना कम बिजनेस. हमारा हुआ है, ही फॉट विद मी लाइक एनीथिंग. ही इज लाइक, तुम पागल हो, तुम्हें क्या जरूरत थी इतने पैसे, यही पैसे हम यूके में लगा के कुछ फन कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते. आई लाइक, अच्छा अभी नहीं, तुम जब फ्लाइट से उतर जाओ ना, तब क्या कहते हैं यू नो, तब बात करेंगे. अच्छा, अब ये ही लैंडेड इन मैनचेस्टर एयरपोर्ट, आई वेंट टू पिक हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, सही है, एंड ही लिटरली वॉक्स आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड ही इज लाइक, I'm like, now you know. मजा. तो खैर, you know, these हम लोगों को बहुत criticize भी करते हैं लोग. हाँ, हम लोगों को बहुत लोग criticize भी करते हैं these things that you know आप लोगों की habits ऐसी हैं, ये हैं, वो हैं. But you know, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह he has given us enough कि you know we can afford it. तो why not, मतलब आपकी ज़िंदगी आपको नहीं पता कितनी है, why not enjoy it. बच्चे हो जाते हैं, priorities change हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें change. तो while you can, you know, you should. But I really want to highlight one thing, maybe you know a lot of people watching this might get the wrong idea. उनको general आप किसी को भी इस तरह की बात करें ना, मेरा nature है, ठीक है, मैं financial education देने में ना, it's how my mind is programmed. This is one of the topics कि मैं आपके साथ अगर बैठूंगा ना, आपको मैं 4 घंटे इसी बारे में बात करता रहूंगा, बिकॉज आई लव टॉकिंग अबाउट इट, आई लव एजुकेटिंग पीपल अबाउट इट. या अगर आपको ज़्यादा पता है, तो मुझे आपसे सीखने का शौक है. इट्स नॉट, इट्स, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मेकिंग मनी और यू नो दिस, इट्स, इट्स जस्ट अबाउट एजुकेशन. एक्चुअली इट्स अ साइंस. या एंड यू नो, ये माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी बात है अली की कि यू नो ही विल नेवर फील थ्रेटन्ड. मतलब 100% जो इसके पास नॉलेज है ना, ही विल गिव इट टू यू, नॉट थिंकिंग कि ये बंदा शायद एट सम पॉइंट मुझसे आगे निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. इसको इतना शौक है कि नो, व्हेन वी स्टार्टेड यूट्यूब, इसने सारे दोस्तों को लगा दिया यूट्यूब पे, तुम भी बनाओ, पैसे कमाओ, बिजनेस आइडियाज दे रहा होगा बैठ के. हालांकि people are not like that. मतलब I know because मुझे, they're 90% people, because I know मुझे dermatology का बहुत शौक है. So you know I wanted कि मैं before I go into the field, मैं आज भी discuss कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों से जो है ना उनकी opinions लूँ, जो ये लोग कर रहे हैं. तो बहुत सारे famous Instagram dermatologist हैं हमारे पाकिस्तानी, जिनको मैंने message किया, like, you know, can I sit down? I'll pay for your consultation. Can I sit down with you? Have a chat. Just want to get some advice. No one responded. No one. अच्छा, I'll get back to you in a week. सीन है, मैसेज सबने पढ़ा है. सीन पढ़ा है, बताया कि हाँ, I'll get back to you in a week. महीने हो गए, किसी ने नहीं. भाई, अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा हुआ है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. दैट इज़, आई हैव सच फर्म बिलीफ इन दैट. हम लोगों से लोग पूछते हैं कि नो, आप ये कहाँ से करवाते हैं, ये कैसे किया, वो कैसे किया. 100% ऑफ व्हाट आई नो, आई सेंड माय कॉन्टैक्ट्स टू देम, आई सेंड एवरीथिंग. हाँ, तुम भी करो, अच्छा है. बिल्कुल, you know, बड़ी बात है, पैसे आए मुल्क में, तो अच्छी बात है. मेरी इतनी हेल्प की आप दोनों ने, हालांकि वी डिडंट नो ईच अदर, वी फ्रैंकली डिडंट. Yeah. और वो भी ऐसी एक्सीडेंटल बात हुई, हम तो इसलिए मिले भी नहीं थे. तो ऐसे और इतना आउट ऑफ द वे जाके आप दोनों ने 1:30 बजे रात तक आप लोग बैठे रहे इधर,
और मेरी हेल्प करते रहे, हालांकि आप लोग पता नहीं कौन से पहां पहुंच गए, आप लगता होगा ये एबीसीडी इसको ये भी नहीं समझ आ रही है ना, बट यू ऑल वर सो फॉरथराइट आउटगोइंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद शेयरिंग नॉलेज, लेकिन आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ी एलिमेंट है आपके दिल में सुकून है, क्योंकि आप लोग हलाल की कमा रहे हो, पता हलाल की है, ये नहीं है कि जो ज्यादा कमा रहा है तो वो हराम है, वो हराम तो 2 रुपए में भी हो सकता है अगर आपने इलीगली लिया या इट डजंट बिलोंग टू यू, आपने ले लिया, जब आप मेहनत करके, व्हाट यू टू आर टेलिंग इज द मेहनत, वो जो आप बता रहे हो कि इधर उधर भी जाना है, इधर से पता करना है, कितने जगह, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, वो सारी चीजें करने के बाद जब आप चीज सीखते हो, देन यू हैव द सेंस टू हाउ टू यूज दैट नॉलेज टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, तो आप लोग जो कर रहे हो ये चीज सिखा रहे हो, आप लोग याद रखें कि ऐसे ही नहीं ओवरनाइट आया, अगर ये इतने यंग है और कितना हुआ है तो ये 15 साल की उम्र से शुरू हुए, ये ऐसे ही नहीं, इनके अभी 10 साल का तजर्बा हो गया, तो यू नो एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड डजंट कम, और जो वो इजी कम इजी गो होता है, आई थिंक अगर आप ऐसे ही अगर आ जाता ना तो यू वुड एंजॉय इट दैट मच, जैसे आपका जो बिजनेस क्लास आई एंड यू गॉट इट विद सम एफर्ट तो देन यू एंजॉय इट, मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनसे मैं जब भी बात करता हूं ना, व्हाट दे टेल मी, यार बलोच तू बहुत मनी माइंडेड है, यू नो व्हाट यू टॉक अबाउट इज मनी ऑल द टाइम, शाहरुख खान की एक बड़ी प्यारी बात है, ठीक है, मुझे, मैं उसकी बातों का इतना बड़ा फैन हो गया हूँ, मैं उसकी शायद एक्टिंग का नाम भी हूँ, अब मैंने देखी, इज लाइक लोग आपको बोलते हैं कि यू नो पैसे से ये नहीं होता वो नहीं होता, यू नो जितना है उतने में खुश रहो, चादर ज्यादा ना फैलाओ, ये वो, इज लाइक डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू आर रिच, बात बिल्कुल सही है, मुझे एक बात बताएं, आपने कभी किसी अमीर बंदे को पैसे बांटते हुए देखा है कि तुम भी ले लो ये ले लो ये ले लो, कभी देखा है आपने, वो अगर उसको पैसे इतने बुरे लगते हो तो बांट देता सारे, वो खुद गरीब हो जाता, द थिंग इज आप अपनी फैमिली को सुकून देना चाहते हैं, अपने दोस्तों को, अपने जो आसपास लोग हैं उनको अपने साथ ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं अपनी अम्मा को बाहर भेजूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी अम्मा को वो दूँ जो उन्होंने ज़िंदगी में मेरे अब्बा को नहीं मिला, अब मैं अपने अब्बा को एक अभी रिसेंटली ना प्रेजेंट लेके आया, अब मैं उनको प्राइस नहीं बताना चाहता बिकॉज वो डॉलर्स में ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा लगती थी मुझे, तो मैं चाहता था मैं दूँ, ठीक है, मैंने दिए उनको, अब मैंने उनको जानबूझ कर उनको समझ आ गई महंगे हैं, ठीक है, उनको मैंने उस तरीके मैंने प्राइस टैग फाड़ा ही हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अम्मी को बिजनेस क्लास में मैं फर्स्ट क्लास में भेजना चाहता हूँ, मैं अपनी बीबी के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, सारी दुनिया देखना चाहता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एंड वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस, ठीक है, आप काम करें, आप पैसे कमाएं, हाँ, enjoy it, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी दीन रोजा नमाज ज़कात ये सारी चीज़ें जरूरी है, एजुकेशन रखें सब कुछ रखें, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपकी फैमिली को कम्फर्ट मिलता है, ठीक है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको कम्फर्ट मिलता है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा आपकी बात से ना मुझे जो चीज़ डैडी हमेशा माई फादर ऑलवेज वोर द बेस्ट क्लोथ द बेस्ट कार यू कुड अफोर्ड द बेस्ट, तो कहते हैं कि अल्लाह ने जब आपको इतना नवाजा है तो भाई लगे तो सही कि आपको नवाजा है, आप अपने फराइज पूरे कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, एंड चैरिटी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो इतनी जरूरी है, मतलब बोलते हैं ना कि उससे आपकी रिस्क में बरकत आती है, दैट इज 1000% ट्रू, मतलब देयर हैव बीन टाइम्स आई हैव अ वेरी सॉफ्ट स्पॉट फॉर एनिमल्स, ये मतलब मैं बहुत बुरी लगती होगी ये बात, लेकिन यू नो इंसानों से ज़्यादा ना मुझे दुख होता है जानवरों को देखे, बिकॉज आई नो कि इंसानों के लिए बहुत लोग करते हैं बट हमारे मुल्क में जानवर स्पेशली कुत्ते इतने निगलेक्टेड हैं, लाइक देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल दैट, मतलब आप ये सोचें कि इतने कम लोग करते हैं कि जो करते हैं उनका नाम सारी दुनिया ACF पता है, स्ट्रेज होम शेल्टर सबको पता है नाम, दैट्स बिकॉज दैट्स द इतने कम लोग करते हैं, तो खैर यू नो देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव हैड नो मनी, मतलब 10-20 हज़ार रुपये होंगे एंड इफ देयर वाज अ केस दैट नीडेड और मैंने दे दिया सोचे बगैर कि यू नो ये, तब इट्स नॉट टू ब्रैग, इट्स टू यू नो जस्ट टीच पीपल, एनकरेज अदर्स टू डू दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लिटरली विद इन मिनट्स आवर्स उसके बाद कहाँ कहाँ से पैसे आए कि आई कुड नॉट इवन इमेजिन यू नो, हाँ अच्छा ये हो गया वो हो गया, तो वो मतलब वो बहुत ज़रूरी है, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, एज लॉन्ग एज यू आर फुलफिलिंग योर ड्यूटीज़ यू हैव अ डिसेंट, आप उसमें से एक डिसेंट अमाउंट अपनी सेविंग्स में डाल रहे हैं, फ्यूचर के लिए डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, तो भाई व्हाट और कहाँ लेके जाना है पैसा, क्या करना है, आई ऑल्सो नो वेरी रिच पीपल या जो इतनी बुरी तरह रहे हैं, रियली वी डू डू, हाँ मतलब देर चपली ऐसी वो होगी या जो कुछ, आई मीन आई डोंट वांट टू गो टू इट, बट द थिंग इज द लुक वेरी वेरी पुअर या एंड दैट इज कॉन्शियसली सो यू नो, ताकि वो
भाई जो आपके रिस्क आपके लिए ब्लेस्ड है और लिखा हुआ है नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू, नोबडी कैन टेक इट, नोबडी कैन, और अगर जब लेना है तो वो हाँ, वो जाएगा, आप कुछ भी कर लो वो जाएगा exactly. और अगर आपके पास नहीं है ना और लिखा हुआ है तो वो ऐसी ऐसी जगहों से आएगा कि आप सोचोगे भी नहीं, यू नो. अब बड़ी एक मुझे फनी सी स्टोरी याद आई, कम्प्लीटली अनरिलेटेड, बट हम लोगों ने जब गेट फिट शुरू किया ना तो मैं यूनिवर्सिटी में थी, आई वाज बिकमिंग अ डॉक्टर. सही है, अब डॉक्टर्स से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि डॉक्टर्स की कोई सोशल लाइफ नहीं हो, डॉक्टर्स बस हर वक्त पढ़े. तो मैंने जो है 6,000 रुपये मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, तब गेट फिट भी नहीं था, गेट फिट वॉज आर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम. तो 6,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी और क्या कहते हैं ऊपर से ना जैसे मम्मा ने रोटियां लेने के लिए भेज दिया तो 500 रुपये देती है, 500 रुपये 300 की रोटियां 200 उन पैसों को बड़ा मजा आता है वापस ना देने का, बड़ा मजा. आई हैड अ फुल फ्लेज गुल्लक, मेरे पास एक प्रॉपर गुल्लक था, वो मनी पॉट नहीं होता मट्टी का जो होता है जिसको तोड़ना पड़ता है निकालने, हम लोग उसको गल्ला बोलते थे, हम गुल्लक बोलते हैं. तो एक तो वो आते थे फैंसी वाले जिनके नीचे से खोल के आप निकाल सकते थे, एक होता था जो तोड़ना पड़ता था, वो मैंने बनाया हुआ था. सही है, और उसमें मैं एट द एज ऑफ व्हाट 19-20 बहुत बड़ी एज थी टू हैव अ गुल्लक, तो मैं वो ला ला के ना पैसे, अच्छा पॉकेट मनी भी उसमें जा रही है, सब जा रही है, करते कराते आई सेव्ड 75,000 रुपीज. खैर वो फिर मैंने तोड़ के फिर मैंने जो है बड़ी अपनी दोस्तों से मिन्नतें करके कि अच्छा ये यू नो सर्टिफिकेशन वगैरह सब कर ली, वो हो गया. अब मम्मा को नहीं बता सकती थी मैं कि बिजनेस शुरू कर रही हूँ, बिकॉज इफ आई टेल हर कि मैं मेडिसिन के बीच में बिजनेस कर रही हूँ तो फिर तो यू नो बिल्कुल इजाज़त नहीं उन्होंने देनी थी. खैर गेट फिट शुरू कर लिया हमने, कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो साल में गेट फिट स्केल्ड लॉट टू द पॉइंट वेर इट स्टार्टेड रीचिंग सेलिब्रिटीज. अब शादियों पे मेरी अम्मी को आके सेलिब्रिटीज बता रहे हैं आपकी बेटी ने इतना वजन कम कराया हमारा, मेरी अम्मा आके मुझसे पूछे बेटा आप कुछ कर ली हो बिजनेस, हम लाइक नहीं मम्मा कोई गलत फहमी हुई होगी उनको. सो फॉर गुड 2-3 ईयर्स शी डिडंट नो. फिर क्या हुआ कि आई वॉन्टेड, मेरा बड़ा शौक होता था कि मैं फूड बिजनेस में आऊँ ना, मैं हेल्थी मैकर्स, मैं इतने अच्छे डाइट खाने बनाती हूँ कि लोगों को पता, डाइट बिरयानी, डाइट पुलाव, एवरीथिंग, लोगों को पता भी नहीं चलता कि डाइट है. वही तो रेसिपीज हम मेन प्लान में डालते हैं, मजेदार, मतलब बिल्कुल लाइक द रियल थिंग, जस्ट विद लेस ऑयल, लेस पोर्शन कंट्रोल. तो मुझे ये था कि भाई मुझे जो है ना फूड बिजनेस करना है जहाँ पे मैंने मैक्रो ट्रैक जो है ना सबको खाने भेजने. अब लिविंग इन द सेम हाउस, सुबह 3 बजे ऑन अ यूनिवर्सिटी डे में उठ के खाने पकाती थी और वो करती थी विदाउट माय मॉम नोइंग. मतलब मेरी, आप ये सोचें कि ये कमरा है और कमरे का दरवाजा खोलते ही ना हमारे घर में सामने किचन है. अच्छा. और मेरी अम्मा सो रही है और माशाल्लाह से इतने गट्स है मुझ में कि 3 बजे मैं फुल फ्लैश 4 लोगों के 3 मील्स बना रही हूँ, पका रही हूँ, भिजवा रही हूँ. आई डिड दिस फॉर 3 मंथ्स विदाउट माय मॉम नोइंग. फिर उसके बाद 3 महीने बाद ना मैं एग्जॉस्ट हो गई, बिकॉज़ लाइक 3 AM आई एम वेकिंग अप, 8 AM आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी, एग्जाम्स, पढ़ाई, बट लाइक आई एम ग्लैड आई डिड इट, आई एम ग्लैड आई डिड इट, बिकॉज़ वो एक शौक था ना मुझे, जो बैठा हो तो मुझे निकालना था कि ये भी फूड बिजनेस आई वॉन्ट के ठप्पा हो मेरे पास, मैंने फूड बिजनेस भी किया. तो वो बड़ा फनी था. फिर एट सम पॉइंट जाके मम्मा को, मम्मा ने एक दफ़ा ना मुझे बिठा दिया, जिससे बेटा इतने ज़्यादा लोगों को गलत फहमी नहीं हो सकती, तो मुझे बताओ तुम क्या कर रही हो. हाँ. मम्मा को भी ना मैंने सोशल मीडिया हर जगह से ब्लॉक किया हुआ था कि मम्मा को पता ना चले. बट खैर इन द एंड शी फाउंड आउट, शी टुक इट वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज वेरी सपोर्टिव. वो तो उनकी जॉब ऐसी थी ना, उनका काम ऐसा था कि यू हैड स्लॉट्स इन बिटवीन टू डू दीस थिंग्स. या cuz शी वाजंट एट होम. अब हम जैसे फुल टाइम पेरेंट्स हो जो टीचिंग भी उसी बच्चे के स्कूल में कर रहे हैं, तो वापस भी आप. लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने एक बड़ी मजे की चीज नोटिस की है. लोग बोलते हैं कि हमारे ना पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेटर बनना था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. प्रॉब्लम बता दूँ सबसे बड़ी क्या है, आपने पेरेंट्स को कभी वो चीज़ करके दिखाई ही नहीं. ठीक है, अगर आप स्कूल लेवल के क्रिकेट में सबसे अच्छे प्लेयर हो तो आपका स्कूल का जो कोच है वो आपका नहीं बोलेगा, आपके पेरेंट्स को करवाएंगे. यू नीड टू शो देम दैट यू आर एक्चुअली केपेबल, यू नो, बिकॉज़ लाइक इवन अली को जो क्या कहते हैं पैसे दिए, उससे पहले वो एक दो बिजनेसेस कर चुका था. इवन दो ही डिडंट टेल हिज डैड, आवर पेरेंट्स नो. Yes. You know, हम बहुत शाड़े होते हैं, हमें लगता है कि हमारे माँ बाप को नहीं पता, बट हमारे माँ बाप को पता होता है. आई इवन नो कि व्हेन आई यूज्ड टू लाई टू माय मॉम एंड से कि मम्मा कोई गलत फहमी हुई होगी, उनको पता होगा कि ऐसे नहीं कोई आके बोल रहा मुझे कि आपकी शगुफ्ता एजाज की बेटी ये करती है, डाइट प्लान देती है. सो दे नो. जब हमने गेट फिट स्टार्ट किया ना, तो मेरे वालिद साहब के दोस्तों ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि ये फेरेबाजी है. ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैंने बड़ा सैड होकर उसको बोला, मैं कहा यार ब्रो, अब्बू बोले फेरेबाजी, कह तो प्रूव कर. एंड 3 साल लेटर, 3 years to 4 years लेटर, आई वेंट टू हिम अगेन, आई टेल हिम दिस वाज नॉट फेयर, बट यानी बिलीव्ड इट नाउ.
बिकॉज अगर एक बिजनेस को अब तो आई थिंक इट्स क्लोज टू लाइक 8 years मे बी 7 years और समथिंग और उसमें अब यकीन नहीं आता 2024 हो गया तो मतलब इतना टाइम इसको हो गया उस पॉइंट पे हम अगर सोचते हैं तो प्रूव करके दिखाया ना आप प्रूव करें आप कोई आप सर्विस बेस्ड करें आप प्रोडक्ट बेस्ड करें आप कुछ भी करें लेकिन आप उसको करके दिखाएं पेरेंट्स को पेरेंट्स सपोर्ट करें एक तरीका यह है कि करके दिखाएं जैसे मैंने भी अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ उन्होंने कहा वी कांट अफोर्ड इट आई न्यू दे कांट अफोर्ड इट झूठ थोड़ी बोल रहे पर जी चुप करके हम बैठ गए एक ही पापा सैलीज वाली जिसने बनाया ना आई थिंक हर नेम इज ज़ैनब या ज़ीनत आई इंटरव्यूड हर तो वो बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने इसी तरह कहा कि शी वांटेड टू स्टडी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और ये सारा कुछ तो बाहर अमेरिका में कोर्स करना चाहती थी उनके पेरेंट्स ने कहा मैं नहीं अफोर्ड कर सकती मैंने कहा ठीक वो चली गई यहाँ के मैरियट में एंड शी वर्कड देयर मतलब जिस कैपेसिटी में भी उसको जॉब मिली उसने वो जॉब्स की और उसने और जॉब्स की एंड शी earned enough money to pay for her own education to America. तो फिर जब वो अपने parents को कहेगी कि अच्छा मैं I have the money. You just have to allow me to go. Yes. क्यों मना करेंगे? Exactly. क्यों मना करेंगे? तो with all that experience जब वो उधर गई और इधर आई अब तो खैर पापा Sally is just another this thing क्योंकि और इतने नहीं. But at a time it used to be the a sensation. I remember that time. हम इस्लामाबाद आके सबसे पहले पापा Sally जाते थे. सबसे पहले और क्या उसका डेकोर क्या उसका खाना हर चीज वन ऑफ द फाइनेस्ट होता था वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड शी इज द वन हु डिड इट ऑल ऑन हर ओन तो अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते एंड दे रियली कांट अफोर्ड इट तो वो सपोर्ट जो आपको चाहिए आप खुद भी योर सपोर्ट हां मैंने कहा ये मुझे क्यों नहीं ख्याल आया क्यों मतलब कभी भी नहीं मैंने ख्याल आया कि देखो मैं ही कुछ कर लूं खुद ही अर्न करके इसीलिए तो बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाना बचपन से बहुत जरूरी है और पेरेंट्स के लिए भी भाई पेरेंट्स का जरूरी है कि अगर आपका बच्चा चाह रहा है कि मैं कुछ अर्न करना चाहता हूँ लेट देम गो लेट देम डू इट अब जैसे वलिया थी जब वो इट वाज अनहर्ड ऑफ कि भाई एक लड़की फोटोग्राफर बनेगी भाई फैमिली फंक्शन में वो जा रही है अकेली यूं करके तो फिर आई यूज टू गो विद हर टू द फंक्शंस कि ठीक है जितना भी कर सकते थे तो वन डिड इट फिर इस तरह गाड़ी में उसे जाना तो फिर उसको गाड़ी दी तो फिर ये चूंकि आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर सिक्योरिटी तो अगर उसकी गाड़ी के टायर्स चाहिए तो फिर आई मेड श्योर दैट शी गॉट न्यू टायर्स इन टाइम एंड आई मेड श्योर कि इट वॉज यू नो मेरा एक मैकेनिक था उसको मैं भेज देती थी कि जाओ जब तक वो कॉलेज गई हुई है पीछे से वो गाड़ी ले जाता था उसको ठीक करके फिर वापस ले आता था तो पेरेंट का ये सपोर्ट तो हो सकता है ना ये बहुत जरूरी बी बिहाइंड देम आप कहते हो सिक्योर नहीं है तो डू ऑल द स्टेप्स दैट मेक देम सिक्योर यू नो तो पेरेंट की सपोर्ट बहुत शक्लों में होती है वो भी हो सकता है और बच्चे का भी जो हृदय मला है जो किस तरह उसका रिएक्शन होता है टू व्हाट दे से वो भी लाइक आप कह रहे हो बेसिकली इज टू डिजर्व तो डैडी हमेशा मुझे कहते थे अच्छा तुम्हें ये चाहिए डिजर्व देन डिजायर किड्स आल्सो नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आजकल के मसला पता है जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है ना मिलेनियल्स जेन जी अब आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे सब देखते हैं अब वो देख रहे हैं ये बिजनेस क्लास पे जा रहा है तो हमारा बाप भी हमें बिजनेस क्लास पे भेजे या ये मुझे ये दुबई गया है ये अटलांटिस में रुका है या ये यहाँ पे गया है ये रिट्ज कार्ल्टन में रुका है तो मुझे भी रुकना है प्रॉब्लम इज वसाइल भी देखें अपने हालात भी देखें हम कहाँ से आए हैं वहाँ से भी देखें बी हम्बल्ड एंड उस पॉइंट पे जब तक खुद कुछ नहीं करें ना तो पेरेंट्स को तंग ना करो मुझे अभी भी याद है हम अपना बहुत पहले वापटा के चेयरमैन का एक पोता होता था वो देवर रिच तो उसका हर लेटेस्ट PSP गेम बॉय सारा कुछ मैं घर आके अम्मा को तंग करता था अब वही चीज़ मेरी याद आती है कितना गलत करते थे साइकिल है उसके पास वो वाली तो मुझे भी चाहिए अम्मा बेचारी का पैसे नहीं 4,000 रुपये का गेम बॉय लेके दे रही हैं फिर सारा महीना यू नो बजट आउट है तो पेरेंट्स करते हैं लेकिन पेरेंट्स को पुश नहीं करना चाहिए उस लेवल का बच्चे भी अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात और बच्चों को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेज किड्स व्हेन यू आर वेरी रिच यू नो डिफिकल्ट टू रेज देम टू बी नॉट स्पॉइल्ड यू नो नॉट स्पॉइल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट तो ये उनको क्लियर करना कि बेटा वी आर रिच यू आर नॉट रिच You know, we worked for it. You're going to learn how to work for it. Haan, obviously, you're my kid. You're a lot more privileged than other kids are. But aisa nahi hai ki tum jo muh se nikaloge, main tumhe utha ke de dunga. You deserve it. You earn it. You work for it. Ye bada zaruri hai. So, you know, that's a very big challenge also. So, you know, This is extremely... This is, ek wo majha yaad aa raha hai. Ek interview tha.
अब आजकल के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हमने ऐसे जनरल्स देखे हुए हैं कि एक जनरल का इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा जी आपने ना घर बनाया ना कुछ किया, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो उस जनरल ने कहा कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि आई शुड टेक द राइट टू स्ट्रगल फ्रॉम माई चाइल्ड। जब तक एक बच्चा स्ट्रगल करना नहीं सीखेगा, अपनी चीज़ खुद कमाना नहीं सीखेगा, अपने पाँव पे खुद खड़ा नहीं हो सकेगा, तो फिर कैसे? ये बिल्कुल जो है ना, सेम बड़ी बात है स्टीव हार्वी की। हाँ। और उसका एक इंटरव्यू में देख रही थी, ही सेड दैट इफ यू लीव इनफ इन योर किड्स मोर देन यू लीव टू देम, यू नो दे विल मेक श्योर दैट दे यू नो रीच दैट पॉइंट, बट इफ यू लीव मोर टू देम then you leave in them, they will run through what you've left to them and be broke again. बिल्कुल। So you know ये बहुत जरूरी है, बहुत। अच्छा आप अगर थोड़े generations पीछे देखें ना, कि देखो आपके father थे या आपके दादा थे, उनके जो भाई थे, उन सब की story ऊपर से नीचे, because they basically had the same amount. And then how the और एक किस तरह, एक बिल्कुल इतनी लंबी तो है नहीं बात। जैसे कराची में मैं थी, तो मेरी एक मेट थी जो मतलब बहुत ही कमज़ोर सी, बताती थी कि मेरे फादर प्रीस्ट हैं और बड़ी स्वीट सी थी। तो एकदम मुझे कहने लगे मुझे छुट्टी चाहिए, हम पिंडी जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहती मेरे मियाँ के हर हस्बैंड वाज द स्वीपर इन द स्कूल इन मलीर, तो कहती है हमने पिंडी जाना है इनके भाई के पास। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहती हैं आप यकीन करें हम उनके घर जाते हैं मिलने के लिए, उनके घर इसी तरह सर्वेंट्स होते हैं जिस तरह मैं आपके घर सर्वेंट हूँ, यू नो। तो इसलिए कि उन भाइयों ने पढ़ लिया, एक डॉक्टर है, एक पता नहीं क्या है, तो उनके अपने प्रॉपर नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। और चूंकि मेरे मियाँ ने नहीं पढ़ा, तो वो इज अ क्लीनिंग पर्सन इन द स्कूल। तो ये देखें हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते पढ़ाई करें पहले, तो पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर स्किल्स डेवलप करें, कोई चीज़ अपना अर्निंग पॉइंट बनाएं, कि नहीं भी उधर आपका आईक्यू लेवल या जो भी आईक्यू होता भी है कई लोग, अब जैसे वलिया वाज ब्रिलियंट अदरवाइज, पढ़ाई में उसको शौक ही नहीं था। मेरा दोस्त है वो डॉक्टर है यूके में, वो मुझे एक चीज ना बोलता था, मैंने कहा यार ये ना इसलिए मुझे बोलता है क्योंकि ये खुद डॉक्टर बन गया, इसके लिए कहना बड़ा आसान है। आज मेरी उससे बात होती है ना, तो मुझे दोबारा वही चीज फॉर द 200th टाइम मुझे रिपीट करके बोलता है, कहता है यार ब्रो मेरी उसी तरह, मैंने उसका नाम भी ब्रो ही रखा है, कहता है यार ब्रो देखो मेरी अम्मी बोल, मैं जब रो रहा होता था डिप्रेस होता था ना डाउन होता था, वो कहते थे यार मेरी अम्मी बोल रही थी कि पढ़ाई सबके लिए नहीं होती, इसका मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, सम पीपल आर मेड फॉर समथिंग, ठीक है, मे बी समथिंग बेटर, ठीक है, तो मे बी ब्रो यूर वन ऑफ द, मैं कहीं मोटिवेट करने के लिए बोलता है, लेकिन आज मेरी उससे बात हुई, मेरी रात को उससे बात हुई और मैं बोलता हूँ यार ऐसे बोलता तो सही था, और आज वो चीज़ समझ आती है। ये चीज पेरेंट को समझने वाली बात है, नहीं समझते पेरेंट्स, यू नो इट्स जस्ट सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम कि यू नो माय किड, मैं दूसरे लोगों में बैठ के क्या बताऊंगा कि मेरे बच्चा ड्रॉप आउट है, मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं खत्म, दुकान पे बैठता है मेरा बच्चा, दुकान, वी हैव हर्ड पीपल से दिस, भाई आपका एस्टैब्लिश्ड एक बिजनेस है, आप दुकानों की पूरी चेन है, सही है, आप अपने, अगर आपका बेटा कोई 9 to 5 नहीं करना चाहता तो आप बेटे को बोलो एक दुकान चलाए, आगे से जवाब है उनका, हम क्या बताएंगे लोगों को कि हमारा बेटा दुकान चलाता है, एक तो लोग कहां से आ जाते हैं लोग और एक अभी और सो फनी, उन लोगों ने आप चाहे करें ना करें, लोगों ने वैसी बात करनी है, इट्स बेटर यू डू समथिंग दैट यू लाइक दैट विल बेनिफिट यू, आजकल एक चाइल्ड विल लाइक यू नो, उसको हां, देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम विद टुडेस यूथ एज वेल विद द सेल्फ मेड थिंग, नॉट एवरीवन हैज टू बी सेल्फ मेड, ठीक है, कभी कभी अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ दिया ना उसके, तो सेल्फ मेड होना इज द बेस्ट, लेगेसी कंटिन्यू कर ले, फॉर एग्जांपल एक मेमन बंदा हमेशा अमीर क्यों रहता है, या वो कम्युनिटी इतनी वेल थॉट थ्रू क्यों है, इतनी अमीर क्यों होती है, पूरी फैमिली चला रही है, उसने एक बिजनेस, एक दादे ने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड देन हैंडेड डाउन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू आर प्रिविलेज्ड कि आपको एक बना बनाया सेट बिजनेस मिल रहा है, यू टेक इट फर्दर, दैट्स नॉट इजी ईदर, आपको अगर एक बिजनेस है जो फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए जनरेट करता है, तो आप क्यों स्टार्ट से स्ट्रगल करेंगे, आप वन से क्यों, आप उसको 20 से 40 करो, 40 से 60 करो, आपका बेटा उसको करोड़ करे, 2 crore करे, यू नो देयर इज नथिंग रॉन्ग, दैट्स नॉट इजी ईदर, ऑब्वियसली यू आर इन अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, बट यूज दैट प्रिविलेज, टेक एडवांटेज ऑफ दैट प्रिविलेज, क्यों सेल्फ मेड बनना है जब आप हो प्रिविलेज्ड, यू नो वी डिडंट हैव दैट, वी विश वी हैड दैट, एंड यू नो वी विल प्रोबेबली मेक श्योर आवर किड्स हैव दैट, यू नो कि वो जाके कोई क्वेस्ट पे ना चल जाएंगे, आज सेल्फ मेड बनना है, भाई जो तुम्हारे पेरेंट्स हैंड डाउन कर रहे हैं तुम्हें बिजनेसेस, तो वो चलाओ, टेक केयर ऑफ देम,
माँ बाप का हाथ बटाओ। बिल्कुल, एंड असल में हमेशा ये भी होता है कि जब बच्चे आते हैं ना बिजनेस में तो उनके अपने आइडियाज भी साथ आते हैं, बिकॉज़ वो नई जनरेशन होते हैं, दे हैव मोर आइडियाज। एग्जैक्टली, अब इधर फिर वही बात होगी, पेरेंट्स नीड टू रिमेम्बर कि आपने जो किया था जो उस वक्त 20 साल पहले सक्सेसफुल था एट दैट एज, अब का जो 20 ईयर ओल्ड है उसकी दुनिया ही और है, तो उसको और मेथड्स करने दें, फेल भी हो जाएगा एक आध दफा, यू नो, तो डजंट मैटर, लेट हिम हैव दैट थिंग कि मैंने ये किया, यू नो। तो इसी तरह बेसिकली जैसे अब हमारी फैमिलीज भी सारी पढ़ाई की तरफ थी ना, पढ़ने में जीप सॉर्ट ऑफ ऑनर विनर, मैं भी बड़ी टॉपर थी और मेरी बेटी फर्स्ट चाइल्ड वाज अ बिग टॉपर, दूसरी भी बड़ी अच्छी थी पढ़ाई वगैरह में। तो वलिया के साथ दफा आए तो मुझे अपनी काउंसलिंग करनी पड़ी ना, मैं अपने साथ मुझे अपने को मैंने बैठाया और मैंने कहा देखो देयर आर पीपल हु आर डिफरेंट एंड इफ शी इज फाइंडिंग हैप्पीनेस इज समथिंग तो गिव इट अ चांस। मुझे भी हमेशा होता था मम्मी डैडी ने मुझे NCA में नहीं जाने दिया, ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट, ये वो, तो वो दिल में वो फोड़ा लेके बैठी हुई होती थी। तो उससे बेहतर यह कि यू शुड ट्राई इट आउट, डू योर, खैर मैंने भी बाद में ट्राई किया, लेकिन अब जब बच्चा आ रहा है यू नो एग्जैक्टली वेयर दैट चाइल्ड हैज कम फ्रॉम, बी अ सपोर्ट, उसको हेल्प करो एंड लेट देम मेक इट। अच्छा ज्यादा तो फेल ही होगा ना, लेकिन एक और बात है कि अगर पेरेंट अगर इजाजत भी दे देता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता, हाँ हाँ मैंने तो तुम्हें इजाजत दे दी, अब जो करना है कर लो, अब खपो तो यार जो आप कर सकते हो ना तो करो। हमें अपने अब्बा की बात इतनी अच्छी लगती है, अभी अमेजिंग है, अभी उम्र को हमने, मेरा छोटा भाई है, अब आई वांटेड हिम टू स्टार्ट अ बिजनेस, इवन ही वांटेड टू, उसको समझ नहीं आ रही थी, तो अनिया ने उसको बोला कि हाउ आर यू गोइंग टू होम टेक्सटाइल एंड स्टार्ट विद बेड शीट्स एंड कम्फर्टर्स एंड एवरीथिंग। उसने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया एंड उसने लेके चला था, उसके वेंडर्स को तंग कर रहे थे, माय डैड फ्रॉम कमर्शियल पीपल ना, जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनसे आप खरीद के आगे बेच रहे हो, तो उनको समझ आ गई कि ये हमसे बेचने के लिए, वो हर दफा जाता था तो प्राइस बढ़ा देते, तंग कर रहे थे उसको। मेरे अब्बा उन्होंने बोला गाड़ी में बैठो तो क्यों, तो फैसला बात, उन्होंने बोला जहां जहां से फैक्ट्रीज जो बनाती है वहां चलो, आई विल गो, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और उस लेवल पे जाके एक बाप हेल्प कर रहा है। मैं मेरे साथ इस एज पे, अभी ये पिछले मैं भी 2 महीने पुरानी बात, मैं से रिक्शों पे ख्वार हो रहे, हम लाहौर में कराची में रिक्शों पे बैठ के इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, ठीक है, बाइक नहीं जा सकती, तो हम उस पॉइंट पे भी मतलब ही सपोर्टिंग, एंड ही इज 62-63 इयर्स ओल्ड, इवन विद आवर बिजनेस ही वेक्स अप एट 8 AM, takes a shower, puts on nice clothes, takes his laptop, goes down to our basement like he's going to a job, office jaake pura hamara labor ko wo manage karte hain, hamare accounts, hamare finances, hamare vendors, sab kuch wo dekhte hain without expecting a single penny, like hum unko de bhi na to wapas bhej dete hain, he's like no, sweet, he's like ek hi baat hai tumhare paas hamare paas is the same thing, wo hi na unke paas aana unhe aap hi ko dena hai, unhe kisko dena hai भाई, ब्यूटीफुल, इतना मजा आया तो बाज वही हुआ, हम लोग कहा था कि विल गो विद द फ्लो, अच्छा फ्लो है कि फ्लो ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया, फ्लो इज फ्लोइंग अवे एंड सो इज द टाइम। तो अब आई थिंक हम विल हैव टू रैप अप दिस सेशन, दो आई स्टिल डोंट वांट टू डू दैट, बड़ा ही मजा आता है वैसे आप लोगों के साथ, जब भी मैं मिलती हूँ ना तो एक इट्स अ न्यू ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम श्योर यू ऑल डू दैट। आप लोग तो इनको बहुत पहले से जानते हैं, मैं तो अब जानना शुरू हुई हूँ एंड दिस इज वॉट आई लव अबाउट लाइफ, यू नो इट्स सो फुल ऑफ ब्यूटिफुल सरप्राइजेस एंड यू शुड हैव इट ओपन अपने अंदर रखना चाहिए कि भाई, एंड आई हैव फ्रेंड्स जो कहते हैं आई डोंट मेक एनी मोर फ्रेंड्स, अब इस जिंदगी में इस वक्त में आके क्या दूसरे दोस्त बनाने में, अभी तो है इतने अच्छे अच्छे लोग इर्द गिर्द हैं और हम उन्हें फ्रेंड भी ना बनाए। तो भाई थैंक यू सो मच अनिया, थैंक यू सो मच अर्जा, थैंक्स अ लॉट, इट वॉज सच अ प्लेजर ऑलवेज एज ऑलवेज टू यू। तो हमारी तो हो गई है दोस्ती, ठीक है, तो अब हमारी अपनी और रूटीन्स होंगी, आप अपनी ज़िंदगी में वापस जाएं, ठीक है, और इधर से जो कुछ लिया है ना उसको अच्छी तरह ख़जाने की तरह पॉलिश करके अपने दिल में रखें, अपने दिमाग में रखें और अपनी ज़िंदगियों में उसको चलाएं, ठीक है। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।